अब ना पजस पजस कब भाई, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई, आवे अंत ना भजिया जाई, भजो गोविंद भूल मत जाओ, गोविंद गोविंद भूल मत जाओ, 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 भजो गोविंद जाओ, धन गुरु नानक 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 धन गुरु धन गुरु नानक देव साहिब की, धन गुरु नानक देव साहिब, धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी, वाहिगुरु गोबिंद भूल मत जा, बोल राम राम 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 बोल राम राम, वाहे गुरु वाहे गुरु, जपो जी वाहे गुरु वाहे जी, भजो गोविंद गोविंद भजो, भूल मत जा, भजो गोविंद भूल मत जा, भूल मत जा, भूल मत जाओ, भूल मत जाओ, जदों बच्चा बाहर जा रहा हुंदा है ते घर दे कहंदे ने पासपोर्ट ना भूल जाई, वीजा ना भूल जाई, किधरे पैसे ना भूल जाई, क्योंकि सारियां चीजां तेरे काम आनियां ने, असी सारिया ने इको चीज गुरु महाराज याद करांदे ने, परमात्मा दा नाम ना भुल्ली ए तेरे काम आएगा, भजो गोविंद भूल मत जा, भजो गोविंद भजो गोविंद, बोलो जी भजो गोविंद भजो गोविंद, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, दयाल लाल दयाल लाल, दयाल लाल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम, भजो गोविंद भूल मत
सेवा ते भगत कमाई, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई, 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 इस देही को ओ सिमरै देव देव देव, सिमरै देव देव, सिमरै देव देव, सिमरै देव देव, सो देही भज हर की से, सो देही भज हर की से, भजो गोबिंद सारे मिलके भूल मत जा, भजो गोबिंद भूल मत जा, प्राणी तू आया लाहा लैन, प्राणी तू आया लाहा लैन, आया लाहा लैन, तू आया लाहा लैन, आया लाले, तू आया लाले, लगा कित को पकड़े, ओ लगा कित को पकड़े, सब मुकदी चली रहे, सब मुकदी चली रहे, सब मुकदी चली रहे, सब मुकदी चली, मजो गोबिंद सारे सारे मिलके जो गोबिंद भूल मत जा, भूले को गुरु मार्ग पाया, भूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया, श्री रामचंद्र अदलखा जी बच्चों नु की कहंदे ने, जड़ी मेरी एयरफोर्स की आर्मी की जड़ी ड्यूटी की फोटो है, तस्वीर है पुरानी, जो मेरी ड्यूटी शुरू हुई सी मेरी वो तस्वीर लगाना बार बार, बच्चे कहन लगे वो तो बड़ी जवानी की तस्वीर है, कहन लगे एक ड्यूटी छड़ के हुण मैं दूजी ड्यूटी करांगा, उत्थे भी सेवा करांगा, जड़ा बंदा ऐथे सेवा करता है वो उत्थे भी करता है, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, 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 अगर पिता उच्चे सुच्चे कर्म करता है, अगर पिता गुरु घर की सेवा करता है, अगों सारे बच्चे सेवा करने वाले हैगे, श्री रामचंद्र अदलखा जी ने बच्चों ने परोपकार किया, सारिया गुरु नानक जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़िया, ते बाणी की कहती है, भजो गोबिंद भूल मत जाओ, वाह वाह, भजो गोबिंद भजो गोबिंद भूल
बिच जा वाज भजो गोविंद भूल मत जा इस देही को सिमरे देव इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर किसे हर किसे भज हर किसे भज हर किसे भज हर किसे हर हर हरी हरी हर हर हरी हरी हर हर हरी हरी बोलो जी बोलो हर हर हरी हरी जी भजो गोविंद भूल मत जा भजो गोविंद भूल मत जा। अब मनियो जदों चला गया मर गया ते अर्जुन बड़ा रोया आके भगवान श्री कृष्ण जी नू कहन लगा इको एक पुत्र सी तुसी ओ भी मार दिता ओ भी नहीं बचिया। उस वेले भगवान कहन लगे अर्जुन इस दुनिया दे उत्ते राम गयो रावण गयो राम गयो रावण गयो राम गयो रावण गयो राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार जाको बहु परवार जाको बहु परवार जाको बहु परवार को नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार सुपने ज्यों संसार सुपने ज्यों संसार सुपने ज्यों संसार सुपने ज्यों संसार। भगवान राम त्रेता युग के अवतार द्वापर के अवतार भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने बड़े बड़े उच्च विद्वान पंडित लोग भी बैठे हैं। गुरुवाणी कहती है एक लख पूत सवा लख नाती। रावण का परिवार पता कितना बड़ा एक लाख पुत्र और सवा लाख पोतरा नाती। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 13 तरह की भाषाओं का ज्ञान है 13 तरह की भाषाओं से गुरु ग्रंथ साहब लिखा है। इसमें संस्कृत भी है फारसी भी है मुल्तानी भी है और ये जो हम सारी दुनिया में एक दूसरे से बातचीत करते हैं नागरी लिपि में सारा गुरु ग्रंथ साहब लिखा है। क्योंकि पहले जितने पुरातन ग्रंथ थे वो सारे संस्कृत में हैं ते संस्कृत लोगों को आधे से ज्यादा कुछ समझ नहीं आती। इसलिए गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह महाराज ने ऐसी भाषा जिससे लोगों को नगर वासियों को हिंदुस्तान क्या सारे संसार में रहने वाले लोगों को आराम से गुरबाणी समझ आवे। तो इसमें महाराज ने लिखा है एक लख पूत जिस रावण के एक लाख पुत्र और सवा लख नाती सवा लाख उसका पुत्र नाती। कहते इतना बड़ा रावण कि चंद सूरज जाके तपत रसोई। जब रावण के परिवार को कपड़े धोने होते थे
बसंतर देवता इंद्र देवता खुद आते थे। बसंतर जाके कपड़े धोई, इतना बड़ा पावर वाला रावण, कहते हैं इतने बड़ा रावण वो भी रोया कब, जब लंका को आग लग गई, सारी सड़ गई, स्वाह हो गई। लंका गढ़ सोने का भया, महाराज कहते हैं मूर्ख रावण क्या ले गया है इंसान, इतना तू हल्का हो गया, कुत्ते की तरह लालच आ गया। जो कुत्ता हल्का हो जाए उसको मारना पड़ता, नहीं तो वो कईयों को काट के कुत्ता बना देता है। आपको पता है जिसको कुत्ता काट जाए वो कुत्ते की मौत मरेगा, उसके अंदर भी वही जम, उसके अंदर भी वही, जिनको जो टीका नहीं लगवाते कुत्ते का, अगर समा आवेगा वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो जाएगा। इस संसार में देवता लोग बहुत कम हैं, जानवर बहुत ज्यादा हैं। गुरबाणी में लिखा है करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। काम सारे जानवरों वाले, मगर हमारी जात, हमारा जन्म इंसान के घर हुआ। रावण के मन में बड़ा अहंकार, 1,00,000 पुत्र से कौन लड़ाई लड़ेगा, 1,25,00,000 नाती से कौन झगड़ा डालेगा, 2-4 पुत्र हो तो सारे गली वाले मोहल्ले वाले डरते हैं कि ये चारों इकट्ठे होके कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। तो गुरु बाबा नानक जी कहते हैं जिनका 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, उनके घर में कोई दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा, सब खत्म हो गए। 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाती, तैं रावण घर दिया ना बाती। कबीर जी कहते हैं वो रावण, ये रावण को लंका कैसे मिली, शिवजी पार्वती ने कहा कि मेरे साथ अगर आपको रहना है एक सुंदर महल बनवाओ, वो महल भी सोने का हो। तो भगवान ने बड़ा समझाया। अब अपनी औरत की बात को, पार्वती की बात को कौन टाले। बोले पार्वती हम साधु संत योगी लोग, ये सोने के चक्कर में तू कहां पड़ गई। बोली नहीं, मेरे को ऐसा ही महल चाहिए जो दुनिया में किसी के पास ना हो। तो बोले ठीक है, बोले खाली महल नहीं चाहिए, साथ में नगरी भी चाहिए, सारी नगरी बसाओ। तो जब महल बन गए तो पंडित लोगों को बुलाया। महापंडित था रावण, जैसे हम लोग कहते हैं भाई चट करनी है, ओपनिंग करनी है मकान की, घर की। बड़े बड़े पंडित आए, रावण भी आया। जब रावण ने चारों वेद जबानी सुना दिए, इतना बड़ा पंडित था ये रावण। आज तक किसी को चार वेद सारे जबानी नहीं याद थे, सिर्फ रावण को याद था। तो रावण ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि अगर मैं चारों वेद सुना दूंगा तो आप मेरे को जो मैं मांगूंगा दोगे। बोले देंगे, क्योंकि पंडितों ने आज तक लेना है, दिया कभी नहीं। यहां कोई पंडित बैठा होगा मेरी बात महसूस नहीं करना, क्योंकि दान लिपों ने लेना पंडितों का काम है। तो ये गुरबाणी में लिखा, जब रावण ने अपना वचन पूरा किया,
शिवजी पार्वती हाथ जोड़ के खड़े होके कहन लगे, रावण क्या चाहिए तेरे को? बोले जी आपने मेरे से वचन किया जो मैं मांगूंगा। बोले हाँ, तो क्या मांग लिया? ये जो लंका है ये सारी मेरे को दे दो, ये सारा महल सोने का मेरे को दो। अब हम किसी के घर जाएं, वो कहे ये हमारे घर का आज ओपनिंग है, तो अरदास में हम कहें घर ही दे देता हूं अपना। ऐसे रावण ने मांग लिया। अब भगवान शिव देख रहे हैं पार्वती की तरफ, देख ले, मैंने कहा था ना ये मत मांग, तूने बनवा लिया, अब ये तेरा नहीं रहा, हमने वचन किया देंगे तो देना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं रघुकुल रीत यही चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो ये देवी देवताओं का वचन था, जो देना था करना था। जब रावण को लंका दे दी तो पार्वती सोच में पड़ गई, ये मेरे साथ छल हो गया, धोखा हो गया। जिसको घर में घर के ओपनिंग के लिए बुलाया था मंत्र उच्चारण करने के लिए, वही सारी लंका ले गया। तो उस वक्त पार्वती ने कहा, रावण ये हमारे लिए बनी थी, तूने छल करके ले ली, याद रखना समा आएगा ये तेरे पास भी नहीं रहेगी। तो गुरु नानक देव जी ने एक शब्द लिखा है, वो गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है, जिसमें सारे देवी देवताओं का पूरा विवरण दिया, कैसे कैसे संसरदान दे इंद्र रोआया, राजा इंद्र। महाराज कहते संसरदान दे इंद्र रोआया, राजा इंद्र रोया। जब गौतम की नार के साथ अहिल्या के साथ भग किया, सारे शरीर के ऊपर भग हो गए। परशुराम रोवे घर आया, परशुराम जो अपने समय का अवतारी पुरुष थे, ये भी अपने अहंकार में आया। राम जी ने लक्ष्मण को कहा इसका जूड़ा काट दे, क्योंकि इसकी सारी ताकत इसके बालों में है, केस में है। आपको पता है सनातन धर्म के जितने बड़े देवी देवता अवतार हुए हैं सारे केशाधारी हैं। जब रामायण दिखाई जाती है वशिष्ठ जी महाराज पूरा जूड़ा पूरी दाढ़ी। जब भगवान राम जी को दिखाया जाता है उनके सर पे भी सारे केस हैं। और शिव जी की तो बहुत पुरानी जो तस्वीरें हैं वो जटाजूटधारी हैं। और भगवान कृष्ण जी को केशव कहा जाता है गुरबाणी में, केशव का मतलब केसों वाला, बालों वाला। सोना नक जिन लंबड़े वाला। तो हमारा जो संस्कृति है, हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं सारे केसाधारी पूरे। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मैं ऐसा खालसा पंथ बना रहा हूं जिसका स्वरूप ऋषि मुनियों का होगा। ये जो पगड़ी, ये जो केस, ये जो दाढ़ी, ये सारा गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन धर्म के ऋषि मुनियों से लिया, ये उन्हीं का दिया हुआ रूप है। एक बार प्यार से जपो जी सतनाम।
श्री वाहे भजो गोविंद बोलो भूल मत जाओ बाबा भजो गोविंद भूल मत जाओ 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु भजो गोविंद भूल मत जाओ बाबा भजो गोविंद कहते हैं इस देही को सिमरे देव गुर सेवा ते भगत कमाई गुरु की सेवा और भक्ति ने मिलके जन्म दिया तब ये मनुष्य मानुख का शरीर मिला। मैं हिंदी पंजाबी मिक्स बोल रहा हूं ताँ जो आपको पूरी जितने लोग आए हैं सबको समझ आवे भी कीर्तन कैसे गुरबाणी क्या है। वाहेगुरु जी मेरे को ले गए वृंदावन, वृंदावन में कीर्तन कराया। वहां जो पुजारी हैं ना उनको जय जय जी बोलते हैं। वो जय जय जी मेरे को बोले खालसा जी यहां आज तक किसी को कीर्तन की परमिशन नहीं है। मैं जब से पुजारी हूं मेरे पिताजी जब से थे आज तक यहां किसी ने कीर्तन नहीं करा। आज आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने गुरु नानक जी की वाणी भगवान कृष्ण जी की वाणी और गुरुओं की वाणी का गायन किया। वहां हमने क्या बोला धन धन तू माता देव की धन धन तू माता देव की माता देव की माता देव की बोलो माता देव की माता देव की जय ग्रह रमैया अवलापति जय ग्रह रमैया कमलापति धन धन ओ राम बेन बजे धन धन ओ राम बेन बजे मधुर मधुर धुन अनहद गाजे मधुर मधुर धुन अनहद गाजे धन धन तू माता देवी धन धन तू माता देवी जय ग्रह रमैया कमलापति बोलो जय ग्रह रमैया कमलापति। ये वाला शब्द आम आपने कभी सुना नहीं होगा। बेन बजावे गोधन चरे नामे का स्वामी आनंद करे। गुरु ग्रंथ साहब को पूरे वर्ल्ड में गुरु क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे जितने अवतार पीर पैगंबर गुरु जन हुए हमारे जितने देवी देवता हुए हमारे जितने भगत हुए सबकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। ये तो हमारी गलती है हमने कभी बीच में से सुनाया ही नहीं क्या क्या लिखा है। जैसे भारत के संविधान में सारे कानून लिखे हैं ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में लोक से लेके परलोक तक के सारा विवरण दिया हुआ है। जब वहां वृंदावन में कीर्तन किया मंदिर का नाम था राधा वल्लभ और इधर बिहारी जी का मंदिर है।
मेरे मन में आ गया एक दिन जन्माष्टमी मना रहे थे, मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वृंदावन, मैंने जाना है वृंदावन। गुरु नानक देव जी का भी वही गुरुद्वारा है वृंदावन के पास, उसका नाम है टीला साहब, नानक टीला उसको बोलते हैं गुरुद्वारे को। ये पास पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता है गुरु नानक टीला। अभी कभी वृंदावन जाओगे तो गुरु नानक जी के गुरुद्वारे में भी जाना, और उसके साथ फिर मैं कीर्तन करने गया मथुरा में। गुरु नानक देव जी का स्थान है वहां बगीची साहब मथुरा में। ये सारे एक हैं, हमारा दिमाग अलग अलग है। नीचे धरती का पानी, ऊपर हवा, ऊपर आकाश, और जब हम एक हवा में सांस लेते हैं, एक धरती की उपज खाते हैं, और इस धरती के ऊपर गुरु महाराज कहते हैं एक पिता एकस के हम बारक। राजनीतिक लोगों ने समाज को तोड़ा, भगतों ने इसको जोड़ा। नामदेव जी, रविदास जी, कबीर जी, सैन नाई जी, सदना कसाई जी, कबीर जी के गुरु रामानंद जी, ये सब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। हमने तो कभी पढ़ी नहीं, हमें तो यही समझ आता है भी ये सरदारों के गुरु ग्रंथ साहब है। नहीं, पहले ये सनातनियों का गुरु है, फिर हमारा है। एक बार प्यार से जपो जी सतनाम श्री वाहे। आज जितने धर्म चलते हैं सब में वाणी गुरु नानक जी की है। राधा स्वामी, नामधारी, नरंकारी, गुरु जी, जिसके पास मर्जी चले जाओ, मैं सब जगह जाता हूं और खुद देख के आता हूं ये क्या करते हैं। सबके पास वाणी गुरु है, सबका प्रवचन इसी से चलता है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। महाराज कहते हैं इस वाणी के अंदर सभी अवतारों का अमृत है। और जब मैं बात कर रहा था, एक दिन मेरे मन में आया कि मैंने जगन्नाथपुरी मंदिर में कीर्तन करना है। आप लोगों में से बहुत सारे गए भी नहीं होंगे उड़ीसा में, पुरी मंदिर बहुत बड़ा है। मैं हर साल, महाराज जी हमें ले जाते हैं गुरुद्वारा आरती साहब में कीर्तन करने जाता हूं उड़ीसा में। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने ये जो आरती उच्चारण करी थी, ये जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर करी थी। एक बार मेरे मन में आ गया कि बाबा नानक जी ने यहां जहां वाणी का उच्चारण किया, मैंने वहां कीर्तन करना है। तो वहां के जज, वहां के वकील, वहां का प्रशासन मेरे को बात करने आया। बोले आपके मन में कैसे आ गया सरदार जी, 550 साल पहले गुरु नानक देव जी जब आए थे, 550 साल हो गए, यहाँ किसी को परमिशन नहीं है कीर्तन करने की। मैंने कहा जी आप भगवान जी करेंगे, जगन्नाथ जी, गुरु नानक देव जी, यहाँ समय मिलेगा। बोले आपका कीर्तन कल गुरुद्वारे में है, हम सब पांडे लोग सुनने आएंगे। जब आप कीर्तन करोगे, हम सुनने के बाद डिसाइड करेंगे कि पूरी मंदिर में हम परमिशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये वाणी यहां से लोक से लेके परलोक तक लेके जाती है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। धुर की वाणी आई, बोलो मैंने क्या बोला है, धुर की वाणी आई, दिन सगली चिंत मिटाई। ये दुनिया की चिंता खत्म करने के लिए गुरु महाराज ने उच्चारण करी। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना। जिस घर में बहुत रोग हो,
दुनिया बड़ी परेशान हो, कोई खुशी नहीं, वहां गुरु नानक जी का जपजी साहब शुरू कर दो, आप हैरान हो जाओगे, कोई रोग नहीं रहेगा, सारे अरोग हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा का नाम ही सारे रोगों को मुक्त करने वाला है। तो वाहिगुरु जी ने मेरे को समा दिलवाया, कहा जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर उन्होंने परमिशन दी कीर्तन सुनने के बाद, और बाहर मीडिया पीछे आवाज आ रही, बाहर मीडिया वाले मेरे को माइक लेके खड़े, इंटरव्यू दो, आप बताओ कि मंदिर में आज तक किसी को कीर्तन नहीं करने दिया, आपको कैसे समा मिला। मैंने कहा जी ये जगन्नाथ जी जाने, बाबा नानक जी जाने, क्योंकि हम सब एक हैं, सब ना जिया का एक दाता, बोलो सो मैं विसर ना जाए। आज भी कई माएं ऐसी हैं जिन्होंने बड़े पुत्र सरदार बनाए हुए हैं। मैं हरियाणा में जाता हूं, पानीपत सोनीपत सब जगह, वहां मैंने देखा गुरुद्वारे के प्रधान वो साईधारी हैं, केस नहीं रखे, उनके पांच पुत्र पांचों सरदार। तो मैंने पूछ लिया कि आप, बोले हमारे घर में औलाद नहीं थी, हमारी दादी ने अरदास करी गुरुद्वारे में तो मेरे पांच पुत्र हो गए। मैंने कहा ये पांचों गुरु गोविंद सिंह जी को मैं दे देता हूं, ये उनकी फौज में देता हूं, ये है हमारा धर्म, आपस में प्यार है। आजकल इस प्यार को बड़ी चोट मारी जा रही है, शुरू से लेके आज तक सबसे ज्यादा कुर्बानियां गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों ने दी हिंदुस्तान की आजादी में। तो जब मैं वहां कीर्तन करा, सारे पांडे लोग बड़े प्यार से मिले, क्योंकि प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है प्रेम। साच कहो चुन ले हो सबे, बोलो जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पाए। सहंसर दान दे इंद्र रुवाया, परश राम रोवे घर आया, अजय सरोवे भिखिया खाए, भगवान रामचंद्र जी के दादाजी राजा अजय वो भी रोए। कब? जब वो भिखिया में लिद दे बैठे। ये बहुत सुंदर सुंदर विस्तार साथ सुनाने वाली चीज है। अजय सरोवे भिखिया खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए। फिर कहते हैं अवतारी पुरुष भगवान राम जी भी रोए। कब? ये सुनने वाला शब्द है गुरु नानक देव जी का। रोवे राम निकाला भया, मैंने क्या बोला? रोवे राम निकाला भया, 14 साल का वनवास हुआ, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। सीता माता को रावण ले गया और लक्ष्मण मूर्छित हो गया। उस वक्त राम जी भी रो पड़े कि अब अयोध्या में कैसे जाऊंगा, कोई भी मेरे साथ नहीं रहा। तब हनुमान जी ने आके जब वाटिका में गए तो वहां सारी लंका को आग लगाई। वही लंका जो छल से रावण ने भगवान शिव से ली थी वो सारी स्वाह हो गई। क्योंकि जैसी कमाई करोगे आगे वैसे ही खर्च हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अगर बच्चों को नेक नियत की कमाई नहीं दोगे तो बच्चे कभी भी फल फूल नहीं सकेंगे। गुरु नानक देव जी जब गए कारू बादशाह के पास, वो मुसलमान है, महाराज अरबी फारसी में लिखते हैं, जीचे नेक नामी जो देवे खुदाए, जो दिसे जमी पर सो होसी फनाए। क्या लिखा? जो भगवान ने तेरे को दिया उससे कुछ नेक नामी कर, अच्छा कर्म कर, किसी का भला कर। कीचे नेक नामी जो देवे खुदाए, जो दिसे जमी पर सो होसी फनाए, दायम बा दौलत कसे बेशुमार, रहेंगे करोड़ी ना रहेंगे हजार।
बाबा नानक जी कहते हैं यहाँ करोड़पतियों के ने भी नहीं रहना और हजार वालों ने भी नहीं रहना। दमड़ा तिसी का जो खर्चे अर खाए, देवे दिलाए रजाए खुदाए। पैसा उसका है जिसने पैसे का सुख लिया। परमात्मा की रजा में रहना और दूसरे का भला करना ये सबसे बड़ा सुख है। नानक नाम चढ़दी कला, बोलो तेरे भाणे सरबत दा भला। सिखों को जन्म इसीलिए दिया कि कहीं भी आपदा आवे कोई दरवाजा भी ना खोले तू जाके रोटी दे के आनी है उसको। कोरोना में मैंने और आपने सबने देख लिया, कहीं कोई भी किसी की मदद नहीं हो रही, सरकार भी फेल हो गई। वहां गुरु नानक के सरदार आए लोगों की हेल्प करने के लिए। लोग ऑक्सीजन के लिए रो रहे थे, 10-10 हजार का सिलेंडर बिक रहा था, तब फ्री सिलेंडर बांट दिए सारे। क्यों? क्योंकि गुरु नानक जी का हम रोज वाणी पढ़ते हैं ना, गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया समाई। परमात्मा ने ही सभी को अपना रूप बनाया है, कोई अलग नहीं है। गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। तूने भगवान का रूप समझ के उनकी सेवा करनी है। तो आगे कहते हैं रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। करें जो रावण जिसका दिमाग 10 सिरों जितना, हम लोग 10 सिर बनाते हैं इसको दशहरा कहते हैं। एक दिमाग बंदे का संभाला नहीं जाता और 10 दिमाग जितना एक का दिमाग रावण का। रोवे दें सिर लंक गवाए, जिन सीता आंधी डोरुवाए। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हजूर। 4:15 तक अनंत सब शुरू हो जाएगा, क्योंकि महाराज जी ने आज कीर्तन में बिठाया है। कहते पांचों पांडव रोए तब जब स्त्री को हार गए, जब राजपाट हार गए, जुआ खेला। भगवान कृष्ण जी के होते हुए भी रोए। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हजूर। रोवे जन में जाए क्या खोए गया, ए भी कारण पापी भया। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, बाली रोए नाए पतार। गुरु नानक देव जी कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। इस दुनिया में ये मत सोचना कि सिर्फ हमें दुख लगा, हमें दुख मिला। भगवान कृष्ण जी ने कहा क्या चाहता है, मेरा अभिमन्यु जिंदा कर दो। अर्जुन को पूछा क्या चाहता है, बोले सामने जल धारा है, दरिया बह रहा है, उसमें से एक लोटा जल का ला लेके आया। अब भगवान कृष्ण जी ने कहा अर्जुन ये लोटा वापस उड़ेल के आ। वो वापस डाल आया। भगवान कृष्ण जी कहने लगे जो पानी तो लोटे में लाया था वो फिर ले आ। बोले भगवान वो तो बह गया सारा। बोले ये संसार एक बहती धारा है, जिसने कोई पता नहीं कब वो धारा आएगी और आगे चली जाएगी। आवन जान एक खेल बनाया, ये भगवान का खेल है। कितना समा, कितने सांस, किस घर में कौन से पिता कौन सी माता, कहां पर किन बच्चों के साथ रह के जीवन व्यतीत करना है। और जाते समय सबको नमस्कार करके वापस चले जाना है। ये जिंदगी का सार है, हमने कभी समझा ही नहीं। मेरी मेरी करते
जन्म गयो। भजो गोविंद भूल मत जाओ। महाराज कहते हैं मानस जन्म का यही लाहो, मनुष्य जन्म का यही तेरे को फायदा है कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा कहते हैं बुढ़ेपे को, जब तक तू बूढ़ा नहीं होता तब तक तू संगत में आ सकता है। बूढ़े होने के बाद तो फिर तेरे हाथ पैर कांपने शुरू हो जाएंगे, कहां आएगा। बुढ़ेपे में समझ नहीं आती। बच्चे कहते हैं आप घर बैठो हम काम चला लेंगे, पिताजी अब आपसे उठा नहीं जाता। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, कहते जब लग बिकल भई नहीं पानी, भज ले रे मन सारंग पानी। वाणी बिकल भाव क्या है, बड़ा होते इंसान के दांत भी गायब हो जाते हैं, बोलता कुछ है मुंह से निकलता कुछ है। अब राम राम भी नहीं जपा जा रहा, क्यों? अब अंदर की वाणी बिकल हो गई, बोला नहीं जाता। फिर कहते हैं अब ना भजस भजस कब भाई, कह रहे हे भाई अगर इस जीवन में भजन नहीं करेगा तो कल को जानवर बनेगा फिर कर लेगा। अब ना भजस भजस का भाई, आवे अंत ना भजया जाई, जो किच करे सोई अब सार, जो तूने करना है इसी जन्म में कर ले, फिर पछताओ ना पावो पार। फिर पछताना रह जाएगा, फिर जाने का समय आ जाएगा। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव, गुर मिलता के खुले कपाट, बोहर न आवे जोनी बाट। आखिर में कहते हैं यही तेरा अवसर, अवसर मिला है ना, यही तेरी बार, यही तेरे को समा मिला है। घट भीतर तू देख विचार, आखिर में कबीर जी कहते हैं कहत कबीर जीत के हार, बोबिद कयो पुकार पुकार। भगत कबीर जी कहते हैं हमने जब टीचर बच्चों को सिलेबस पूरा करा देता है, कहता अब पेपर आ रहे हैं तुम्हारी मर्जी है तुम पास हो या फेल हो, मैंने तुम्हें पूरा सिलेबस करा दिया। कबीर जी कहते हैं हमने तुम्हें एक एक शब्द में समझा दिया, अब आपकी मर्जी है अच्छे कर्म कर के बुरे कर, कि जैसे मर्जी सेवा कर ना कर, जिंदगी को लालच में बर्बाद कर या किसी के भले में चला जा, ये तेरी मर्जी है। कहत कबीर, कहत कबीर जीत के हार, कहत कबीर जीत के हार, बो बिद गयो पुकार पुकार, हे भजो गोविंद भूल मत जा। सारे मिलके भजो गोविंद भूल मत जा। धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव, धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी, भजो गोविंद भूल मत जा। वाह वाह, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। आनंद राम कलिमल अतीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु ने पाए, सतगुर का पाया सहज सती मन लगिया बनाया, राग रतन परिवार परिया शब्द गावण आया, शब्द होत गावो हरि के मन जुनी बसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया, ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले, करो करे तेरा कारण सवारना। अब
रहे नानक मन मेरे सदारो साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किछ है जिसने सो पावे सदा सिर सदा तेरी नाम बसावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कने रे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सत नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया हर शाम सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिट्ठो जिसी आए वडियाइया कहे नानक सुनो संतोष शब्द करो पिया सच नाम मेरा आधार हो वजे पंच शब्द कर सबके पर सबके शब्द वजे भला जन करतारिया पंच दूत दुवास कीते काल कंटक मार और करम पाया तुजन को से नाम हर के लागे 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 कहे नानक तें सुखो वाद कर आनंद वाद आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म तपाया पुत्रे सगल सूरे दुख रोग संताप पुत्रे सुनी सच्ची पाए सत साजन पे सत्य पूरे गुरते जान सुनते पुनित कहते पवित्र सत गुर रया हर पूरे मिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाद नंद सुनो वड भागियो वड भागियो वड भागियो श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तर्क महत दूसरा दो दाई दया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया बाजे तरम करमी आपो अपनी हे नेड़े के दूर इन्नी नाम ते आया वाहेगुरु 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 बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम राम इन्नी नाम ते आया जय सतगुरु छुट्टी नाल बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह सोनिया सत श्री